दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को पड़ी मूवी का काफ़ी इंतज़ार था और फाइनली ये मूवी 2 मार्च को रिलीज़ हुई। मैंने इस मूवी को रिलीज डेट पे ही देखा और आज मैं आप सभी के साथ इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को शेयर करूंगा। इसके साथ मैं आपको इस फिल्म की रिव्यू भी दूंगा ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको ये फिल्म थिएटर में जाकर देखनी चाहिए या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप बस मूवी रिव्यू को देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में यहाँ नीचे दिए हुए टाइम फ्रेम पर चले जाएं जहाँ से आपको सिर्फ एक स्पॉयलर फ्री रिव्यू मिलेगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक अर्नब नाम का इंसान दिखता है जो कि पियाली नाम की लड़की से बात कर रहा होता है। दोनों की अरेंज्ड मैरिज की बात चल रही होती है और पियाली बताती है कि उसका पहले भी एक डॉक्टर बॉयफ्रेंड था जिससे अर्नब को कोई भी परेशानी नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्नब अपने परिवार के साथ कार में घर वापस जा रहा होता है और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे पियाली पसंद है। सभी लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन तभी उनके कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उस औरत की इनके कार से एक जोरदार टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में उस बूढ़ी औरत की मौत भी हो जाती है और पुलिस पूछताछ में अर्नब के परिवार वाले झूठ बोलते हैं कि उस बूढ़ी औरत ने कार के सामने खुद आकर सुसाइड करा है। पुलिस जांच पड़ताल के लिए एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचती है, जहां गांव वालों से पूछने में पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत वही पास के जंगल में रहती है और लोग उसे कुत्ते वाली बुढ़िया बुलाते थे क्योंकि वो वहां के आसपास के सभी कुत्तों को जंगल में ले जाती थी। पुलिस छानबीन करते करते उस औरत के घर तक पहुँचती है, जहाँ उन्हें अनुष्का एक जंजीर से बंधी दिखती है। वो काफ़ी डरी सी रहती है और बातचीत से पता चलता है कि वो औरत अनुष्का की माँ थी। सभी लोग उसे बताते हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और फॉर्मेलिटीज़ के लिए उसे शहर चलना पड़ेगा। अनुष्का, जिसका इस फिल्म में नाम रुखसाना है, वो इस घटना से बिल्कुल भी चिंतित या प्रभावित नहीं थी और वो अर्नब के साथ शहर जाती है। दूसरी तरफ हमें मुर्दा घर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक साहू नाम का इंसान उस बूढ़ी औरत के डेड बॉडी की जाँच कर रहा होता है। जाँच के दौरान उस आदमी को उस मुर्दे के हाथ पर एक निशान दिखता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत बांग्लादेश में एक इंसान को फ़ोन करता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि रजत कपूर थे, जिनका इस मूवी में नाम कासिम अली है। साहू तुरंत ही कासिम साहब को बताता है कि उसने एक मुर्दे के हाथ पर औलाद चक्र का निशान देखा है, जिससे कासिम अली अचंभित रह जाते हैं। इसके बाद हमें कासिम अली के कुछ पुराने दिन देखने को मिलते हैं, जब वो किसी कयामत आंदोलन का हिस्सा थे। वहाँ वो हर उस औरत के नवजात शिशु को मार डालते थे जिसके हाथ पे औलाद चक्र का निशान होता था। ऐसे ही किसी प्रक्रिया के दौरान एक औरत कासिम अली के आंखों में अगरबत्ती घुसा देती है, जिससे उनकी एक आंख डैमेज हो जाती है और वो औरत अपने होने वाले बच्चे के साथ वहां से भाग निकलती है। वो औरत शायद यही कार एक्सीडेंट वाली बूढ़ी थी, जिसका पता कासिम अली को कई सालों बाद मिला था, और उस औरत की होने वाली बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी, जिसका नाम रुखसाना था। अब कासिम अली आखिर क्यों उन नवजात शिशु को मार डालते थे, इसका पता आपको इसी वीडियो के अंत में चलेगा। तो कहानी में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुखसाना अपने माँ के शरीर को लेने जाती है, जहाँ उसे वहाँ जल रहे अगरबत्तियों से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वो कहती है कि उसे अगरबत्तियों से डर लगता है और हम देखते हैं कि साहू रुखसाना पे कड़ी नज़र रख रहा था। इसके बाद अर्नब रुखसाना को अपने जंगल वाले घर तक छोड़ता है, जहाँ रुखसाना को अपने मरी हुई माँ दिखती है। वो उसे अपने पास बुला रही थी और हमें किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई देती है। रुखसाना डर कर इधर उधर दौड़ती है और फिर अपने घर में भागकर छुप जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कासिम अली उसी जंगल में कुछ लोगों के साथ रुखसाना को पकड़ने आते हैं, लेकिन रुखसाना वहां से भाग निकलती है। कासिम अली को वहां रुखसाना का एक बाल मिलता है, जिसे वो अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। दूसरी तरफ रुखसाना भाग कर अर्नब के घर पहुँचती है, जहाँ अर्नब उसे अपने घर के बिस्तर के नीचे पाता है। रुखसाना डरते हुए बोलती है कि कुछ लोग उसे मारने आए थे और वो उन लोगों को पहचानती नहीं है। उसका यह भी कहना था कि उनमें से एक इंसान को उसने बचपन में देखा था और वो तब से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि कासिम अली थे। इसके अलावा रुखसाना इतनी दूर से पैदल ही दौड़ कर आई थी, जिससे उसके पाँव लहूलुहान थे, और अर्नब उसे एक दिन के लिए अपने घर पर रुकने की इजाज़त दे देता है। अर्नब कहता है कि वो उसे अगले दिन किसी आश्रम में छोड़ के आएगा, लेकिन रुखसाना को घर छोड़ के जाने का मन नहीं था।
अगले दिन जब अर्नब रुखसाना को आश्रम छोड़ने जाता है तो वहां की बुरी हालत को देखकर वो डिसाइड करता है कि रुखसाना को कुछ और दिन अपने घर में ही रखेगा। वहां रहते रहते रुखसाना अर्नब के काफी करीब आ जाती है और वो अर्नब को सच में प्यार करने लगती है। उसे पियाली का अर्नब को कॉल आना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कुछ अच्छी पेंटिंग्स भी बनाती थी। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि रुखसाना को शहर के कोई भी तौर तरीके नहीं आते थे। जैसे कभी कभी वो कचरे में से खाना निकाल कर खाने लगती थी और उसे टीवी में कार्टून देखना बहुत पसंद था। इन सब के अलावा उसे हमेशा एक नेल कटर चाहिए होता था ताकि वो अपने नाखून को रोज काट सके। एक बार जब अर्नब ने उसकी नेल कटर को छुपा दिया तो उसने अपने हाथ और पाँव के नाखून को एक धारदार चाकू से काट डाला जिससे वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। इन सब के अलावा घर में अजीबोगरीब घटनाएं भी हो रही थी। जैसे जब भी अर्नब ऑफिस के लिए जाता था तो रुखसाना को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और वो खुद को ही अलग अलग डरावने रूप में देखती थी। एक रात रुखसाना को पेट में बहुत जोर दर्द होता है और वो अर्नब को अपने पास से दूर भगाती है। ठीक उसी रात हम देखते हैं कि रुखसाना घर के बालकनी से नीचे किसी अलग प्राणी की तरह कूद कूद कर जाती है और उस सोसाइटी के एक कुत्ते को काट कर जान से मार डालती है। इस दृश्य से हमें साफ पता चलता है कि रुखसाना इंसान नहीं बल्कि कुछ और प्राणी थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी थी। दूसरी तरफ काशिम अली किसी औरत के पास जाते हैं जो कि एक जंजीर से बंधी थी। उसके वहाँ जाते ही औरत का रूप बदल जाता है और वो बहुत ही अजीब दिखने लगती है। कासिम अली उस औरत को रुखसाना का बाल देकर उसका पता पूछते हैं और वो औरत उस बाल को सुनकर कुछ अजीबोगरीब बात बोलती है। वो बोलती है कि बाहर आई है उस पे और वो अपना मकसद पूरा करके रहेगी। वो ये भी बताती है कि रुखसाना किसी लड़के के साथ है और वो उसके घर का पता कासिम अली को देती है। इसके ठीक अगले दिन कासिम अली और साहू अर्नब के सोसाइटी पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि उसके घर पर जो लड़की है वो इंसान नहीं बल्कि इफ्रित की बेटी है। जी हाँ, वो ये भी कहते हैं कि वो आपके साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि अपने जनजाति को आगे बढ़ा सके। अर्नब इन बातों में भरोसा नहीं करता है और वो कासिम अली को अपने सोसाइटी से बाहर निकलवा देता है। उसी रात साहू अर्नब का पीछा कर रहा होता है और उन दोनों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में अर्नब के सर पर चोट लग जाती है और वो खून से लथपथ घर पहुंचता है। वो रुखसाना को सारी बातें बताता है और वो बोलता है कि उस मुर्दे घर वाले इंसान ने उसे मारा है। इसके बाद हमें रुखसाना का असली रूप देखने को मिलता है। अर्नब के सोने के बाद वो उस मुर्दे घर में जाती है और साहू को जान से मार डालती है। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह इधर से उधर कूदती है और सुबह होने से पहले घर वापस आकर अर्नब के पास बड़े प्यार से बैठी होती है। उसी दिन अर्नब के घर पे उसकी होने वाली पत्नी पियाली आती है और वो रुखसाना को वहाँ देख लेती है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है जिससे अर्नब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। टेंशन में वो रुखसाना को घर से बाहर जाने बोलता है और तभी वो चिल्लाकर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। इससे अर्नब बहुत ज़्यादा डर जाता है और रुखसाना बार बार उससे इस हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। वो घर से बाहर निकलकर कासिम अली पर रिसर्च करता है और इस रिसर्च में उसे जो बातें पता चलती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में रुखसाना इफ्रित की बेटी थी। जी हाँ, ये बात सन 1990 की थी जब बांग्लादेश के सातखेड़े डिस्ट्रिक्ट में कई लोग जवान लड़कियों का अपहरण करके उन पर काला जादू करते थे। इन प्रक्रिया में इफ्रित इन लड़कियों को प्रेग्नेंट बना देता था जिससे उसकी औलाद हमारी दुनिया में आ सके। इफ्रित का सिर्फ एक मकसद था कि वो अपनी जनजाति को और भी आगे बढ़ाए और इंसानों के साथ संबंध बनाकर अपने जैसे और भी प्राणी पैदा कर सके। जो लड़कियां इफ्रित के साथ संबंध बनाती थी उनके हाथ पे औलाद चक्र का निशान बनाया जाता था। ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ इस सब के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको कासिम अली ने शुरू किया था। कासिम अली ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और वो इफ्रित की जनजाति को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। इस आंदोलन को कयामत आंदोलन के नाम से जाना गया और इसमें काम करने वाले लोग औलाद चक्र वाले औरतों के बच्चों को जन्म के वक्त ही मार डालते थे। इनके हाथ से सिर्फ एक ही औरत बचकर निकल गई थी जिसने कासिम अली का आंख भी फोड़ डाला था और उसकी और इफ्रित की बेटी ही रुखसाना थी। ये प्राणी इंसान की तरह दिखते थे और इनके अंदर इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकत होती है। इनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और इंसानों से संबंध बनाने के बाद इनको एक महीने में ही बच्चा हो जाता है। इनके बच्चे को सर्जिकल कॉर्ड और नाभि नहीं होती और इनके अंदर जहर भी होता है। अगर ये हर महीने अपने अंदर के जहर को शिकार करके नहीं निकाले तो वो खुद ही मर जाएंगे। इसलिए रुखसाना को एक दिन पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ था और उसी रात उसने एक कुत्ते को जान से मार डाला था।
अब जबकि अर्नब को सब पता चल चुका था, वो घर पे बहुत ही उदास होकर वापस लौटता है और रुखसाना फिर से उससे माफ़ी मांगने लगती है। वो उसे बताती है कि उसके पेट में अर्नब का बच्चा है, जिसे अर्नब को शौक लगता है। वो रुखसाना को जंजीर से बांध देता है और फिर कासिम अली को वहाँ बुला लेता है। कासिम अली रुखसाना को बहुत मारते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा तड़पाते हैं। रुखसाना मदद के लिए चिल्लाती रह जाती है, लेकिन अर्नब उसे वहाँ छोड़कर अपने माँ बाप के घर चला जाता है। वो वहाँ डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके माँ बाप को लगता है कि ये सब प्याली की वजह से हुआ है। वो 3 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं आता और एक दिन प्याली उससे मिलने आती है। वो उसे ये सब नाटक बंद करने को बोलती है और तभी वो प्याली को रुखसाना के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। वो बोलता है कि रुखसाना से बड़ा जानवर तो वो खुद है, क्योंकि उसने रुखसाना को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया, जबकि रुखसाना उससे प्यार करती थी और उसके पेट में अर्नब का बच्चा भी था। प्याली भी अर्नब को अपने ज़िंदगी की कुछ कहानी सुनाती है और वो उसे रुखसाना की मदद करने को बोलती है। अर्नब फौरन वापस अपने पुराने फ्लैट में जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। रुखसाना वहाँ से भाग निकली थी और वहाँ उस पर नज़र रखने वाले बंदों को फांसी पर लटका चुकी थी। अब वो कासिम अली के घर पहुँचती है और वो उसका भी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालती है। कासिम अली मरने से पहले कुछ होली रिसाइटेशंस करते हैं, लेकिन रुखसाना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपने कान में हेडफोन्स लगा रखे थे। इसके बाद वो प्याली को मारने उसके घर पे पहुंचती है, जहां उन दोनों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में रुखसाना के पेट पे चोट लग जाती है और उसके बच्चे के डिलीवरी का वक्त हो जाता है। प्याली रुखसाना को मारने के बजाय उसके डिलीवरी में मदद करती है और उसके बच्चे को सर्जिकल कॉर्ड और नाभि थी, इसका मतलब वो बच्चा इंसानी बच्चा था। रुखसाना उस बच्चे को वहीं छोड़ देती है और जब तक अर्नब प्याली के घर पहुंचता, वो वहां से जा चुकी थी। अर्नब रुखसाना को खोजते हुए वापस उसी जंगल में जाता है और वहां उससे माफ़ी मांगता है। वो बोलती है कि उनका बच्चा इफ्रित नहीं है और ऐसा शायद रुखसाना का अर्नब के लिए प्यार की वजह से ही हो पाया। रुखसाना का जहर निकालने का वक्त आ गया था, लेकिन वो अर्नब को कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी खुद की मौत हो जाती है। मूवी में हमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि हम सब के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, और अगर किसी का दिल साफ हो तो चाहे वो इफ्रित की बेटी ही क्यों ना हो, वो एक अच्छी प्राणी ही मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बड़ी मूवी की डिटेल स्टोरी और मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी। मूवी काफ़ी स्लो है और इस मूवी को देखते वक्त आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हालांकि मैं इस बात से खुश था कि इसकी स्टोरी एकदम ओरिजिनल है और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अलग है, लेकिन मूवी को देखते वक्त आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है और अनुष्का शर्मा ने अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है, लेकिन फिर भी मूवी को थोड़ा और छोटा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। तो ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी का टीवी पे ही आने का वेट करें, क्योंकि थिएटर में जाके इसको देखना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छी एक्टिंग देखना चाहते हैं तो फिर आप इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस मूवी के सभी पात्र ने ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी मूवी की डिटेल्ड स्टोरी और रिव्यू। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आप इस मूवी को थिएटर में देखने जा रहे हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुँचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।